दीप जले तो रोशन आपका जहां हो, पूरा आपका हर आसमां हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर, इस दिवाली आपके पास खुशियों का भंडार हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊँवाणी में और दीपावली पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली यानी प्रकाश का त्यौहार, जो सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली शब्द का अर्थ है मिट्टी के दीप। यह भारत का बहुत बड़ा त्यौहार है। यह हर साल कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान राम जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। भगवान राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। दियों की रोशनी से पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं दीपावली के पौराणिक महत्व के बारे में, बता रहे हैं प्रेम वल्लभ जोशी जी। कुमाऊँवाणी श्रोता लोक के मित्र सुभाषीष, सारे भारतवर्ष में जतुगले सनातन धर्म वावसे कार्तिक शुक्ल और कार्तिक कृष्ण जो अमावस्या से कार्तिक कृष्ण अमावस्या एक एक महान पर्व रूप में मनोने परंपरा बनी हुई थे। जैसे हम दीपावली, दीपावली माने दीपों का कतार, दीपावली रूप में के दीपमाला रूप में के प्रकाशोत्सव, ये पर्व रूप में के मनोनो साथ साथ ये दिन माँ महालक्ष्मी के पूजन अगले विशेष महत्व छ। अमावस्या दिन सायंकाल में के दीप जलाए बीर, प्रकाशोत्सव कर बीर, ये पर्व के मनोने विशेष परंपरा छ। उसके ये में हमार अनेक कारण से, पर इतके हम उन कारणों में विस्तार पूर्वक न जाते हुए जो हमार मुख्य कारण छ, जो मुख्य ये प्रकाशोत्सव के मनोरम पर्व छ, तो ये में जब प्रभु रामचंद्र जो 14 वर्ष का अपन वनवास पूर्व कर बीर, जो उन्होंने मनुष्य रूप में का जन्म ले रहा थी कि भाई मैं दुष्टों का संहार करूँ, धार्मिक रक्षा करूँ, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करूँ, सत्य की रक्षा करूँ, यह उन्होंने जो संकल्प ले रहा थी, वे संकल्प के पूर्ण करवेर जो अंत में उन्होंने रावण रूपी, रावण माने जो दूसरा के रोलो, दूसरा का कष्ट पहुँचो, तो यश जो रावण थी एक गति देवा और गति देवा भी अयोध्या में जब वापिस आई तो उस तक समस्त अयोध्या वासियों उनार अनग उपलक्ष्य में घ्योंक बत्ती जलाए बीर, घ्योंक दी जलाए बीर, जग जगह में घर घरों में हर देहली में अर्थात मुख्य द्वार में के रामचंद्र जी वापिस होने एक विशेष पर्व मनाची। भारत के सभी त्योहारों में सबसे सुंदर दीपावली का त्योहार माना जाता है। हफ्तों पहले लोग इस त्योहार की तैयारियों में जुट जाते हैं, घरों की सफाई खरीदारी आदि में व्यस्त रहते हैं। घरों को रंगों से रंगना, मोमबत्तियाँ, पटाखे, बिजली की मालाएं, फूल की मालाएं, दिए, खिले खिलौने, मिठाइयाँ आदि की तैयारी करते हैं। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज तक रहती है। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी जो कि धन और समृद्धि का प्रतीक है, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और साथ ही धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस को धातु, बर्तन, झाड़ू आदि खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। नई झाड़ू लाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। दीपावली का त्योहार कैसे मनाया जाता है, आइए बता रही हैं बिमला देवी जी। जी भाई शुभकामना, हम पहले शुरू में मठ खोदलो छी, फिर झाड़ लगो छी, झाड़ लगा बेर लिपाई पोताई कर छी, शुरू दिन फिर नंचन मंचन हमार सब मोमबत्ती जलो छी चारों तरफ। हाँ त्योहार दिन फिर गाय खिलाए हुए छी, गाय खिलाए हुए छी, गुरु पुठा में हम ठप्प लगो छी, गिलासों लगो छी ठप्प। हाँ फिर त्योहारा दिन शाम के हम वो भिजो छी चावल, चावल भिजो छी, उनके फिर हम रद्यान भून भैन बेर सब वो खुरा में धर छी, धर छी, और फिर हम उनके बाँट छिले जो आल अपना उनके हम कछी चोर से हमार वाँक उनको दी छी हम, और सब चेली बेटी आलीन चेल बेटी के लिए उगा छी हम मान छी बहुत उजस कर छी। आप बता बहुत उग दुनिया बहुत अखिल बैठ गए, अखिल बैठ गए आप तो माहौल कोई नहीं देखन चाहन, लिपाई पुताई में कोई नहीं चाहन, आप सब सिमंडर सिमंडर टायल हायल मुकरने सोचने पहले जमाना उगे सब छोड़ा, हम तो पहले का जमाना सो
हम सोचलो पहले जमाना का जोश होने चाहिए। गोवर्धन अर्थात गोबर जो गायक मलमूत्र आदि से वे के हम अपन खेतों में खलिहानों में खेत बेरी हुई बेटी जो फसल प्राप्त हुए वो हमारे लिए बलकारी बनो पौष्टिकारी बनो और हमारे खेत खलिहान हमेशा भरी रहो यह पचिल भावना दें। और साथ साथ उनार पीठ में प्राचीन काल बेटी एक परंपरा बनी हुई है कि चावल पिष्ट बना भी अर्थात जैसे पिछियो कोनो या पीठ कोनो उनार पुठा में गोल गोल चिन्ह बनाने का एक परंपरा बनी हुई है। और साथ साथ आज एक दिन उना लीजिए कि योले प्रार्थना करीजें कि हमारे जो गाय है हमेशा सुखी रहो उन्हें वृद्धि हो और वो हमेशा तुष्ट पुष्ट है वीर हमुके अपन तरफ बटी निरोगता धन संपत्ति प्राप्ति और सुख संपत्ति साथ साथ अन्न आदि वृद्धि के लिए हमेशा वरदान देते रहो। अब बारी आती है भाई दूज त्योहार की। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को सुदृढ़ करता है। भैया दूज को भ्रातृ द्वितीय भी कहा जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध व प्रेम की स्थापना करता है। इस दिन बहन बेरी पूजन भी करती है तथा भाई के स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि जैसे हम भगवाई लकोनो यम द्वितीय लकोनो और भैया दूज लकोनो तो आज दिन प्राचीन समय बटी चूड़ पूजने के परंपरा रह रहे और चूड़ पूजने परंपरा में आज यह परंपरा हमारा लगभग लगभग हमारे अपन क्षेत्र में लुप्त सी है चुकी है। पर यह में जो प्राचीन परंपरा थी वो में यो थी कि आश्विन शुक्ल दशमी अर्थात जिस दिन विजयादशमी हुए उस दिन धानों के भिजाई दी जाती जो नई धान प्राप्त है रही उनके भिजाई बेर ये कार्तिक शुक्ल द्वितीय हुए उनके ढेक में या उखाओ में का कूट बेर मंदिरों में चढ़ाना लीजिएगा एक साथ साथ अन्य जो भोज्य पदार्थ थे उनके ले लीजिए बेर अपन अपन जो इष्ट देवता मंदिर थे उनमें चढ़ाई जाओ। और साथ में एक दूसरा का जब प्रकार हरियाव पूजी जैसी लाग हरियाव लाग बगुआ जीरे जागरे बचरे ते लंबी उम्र हो इस किस्म जो अनेक आशीर्वादों के दी जैसी वही भावनाल वही आशीर्वाद स्वरूप चूड़ पूजी जानी और एक दूसरा के शुभ आशीर्वाद देते हुए भाई एक दूसरा प्रेमक जो संदेश जी। और फिर ये में एक विशेष जो हमारे प्राचीन परंपरा छ और प्राचीन परंपरा हमारे पुराणों के अनुसार ले वैदिक धर्मानुसार ले सनातन धर्मानुसार ले शास्त्रों के अनुसार ले यो छ कि आज एक दिन भाई और बहनिक एक दूसरा प्रति जो प्रेम छ एक दूसरा प्रति जो सौहार्द छ एक दूसरा प्रति जो रक्षा संकल्प छ वो प्रदर्शित करने के लिए एक दिन छ क्योंकि आज एक दिन यमराज्योल अपन बहन के वरदान दे रखा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय के ये दिन जो भैया अपन बहनी खातों के मीठ भोजन करोल या जो बहन अपन भैया के मीठ भोजन कराएल और साथ साथ जो भैया अपन बहन या दीदी के मन मुताबिक उपहार के दिल तो वे के फिर कभले म्योर अर्थात यमक भय न रहा यमराजा कभले वे के दर्शन न हुआ। तो ये हमारे प्राचीन परंपरा छ भाई और बहनी के लिए एक विशेष त्योहार यो छ। इस त्योहार में पटाखों का विशेष महत्व है। बाजारें दुल्हन की तरह सस्ती हैं और खूब खरीदारी भी की जाती है। दोस्तों इतनी खूबियां समेटे यह त्योहार हमारे कुछ नकारात्मक व्यवहारों की वजह से अपनी खूबसूरती को खो बैठता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आप समझ गए हैं ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक समझे आप भी उतने ही दोषी हैं जितनी की मैं हूँ। तमाम तरह के पटाखे जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है जो हमारे जीवन के साथ साथ ही समस्त पर्यावरण के लिए अभिशाप है। तो दोस्तों आइए मिलकर मनाते हैं प्रदूषण मुक्त दिवाली। दीपावली में दीपों का दीदार हो और खुशियों की बौछार हो। मैं नारायण मेहता मैं ऋतु आर्या दीप पर्व दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहे कुमाऊं वाणी आपन रेडियो आपन बात।